यूपी इलाहाबाद में बीजेपी सांसद श्याम चरण गुप्ता का बड़ा बयान। यूपी के इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्याम चरण गुप्ता ने अपनी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में जब उनकी नहीं सुनी जाती तो आप लोगों की कैसे सुनी जाएगी। चाहे लखनऊ इलाहाबाद हो या कन्नौज हो या कानपुर हो, सब तरफ ये व्यथा चल रही है, सब तरफ ये रोना चल रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है, जैसे देश अनाथ हो गया है। सब अपने अपने को ठीक करने में लगे हैं, सब कोई अपना अपना मजबूत करने में लगा है, जैसे दोबारा सत्ता में आएंगे ही नहीं। ये गठबंधन क्या बना गया, सब डर गए, लेकिन हम इतना नहीं डरे कि हमें तो जाति के बनाई है, हमको तो बनिए का सहारा है। उन्होंने कहा कि मौलाना बुखारी दिल्ली से एक अजान देता है तो देश के सारे मुसलमान एक हो जाते हैं, राजनाथ सिंह आवाज देते हैं तो सारे ठाकुर एक हो जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक आवाज देते हैं तो सारे ब्राह्मण एक हो जाते हैं, मुलायम सिंह यादव एक आवाज देते हैं तो सब यादव एक हो जाते हैं, और तो और अगर मायावती एक आवाज देती है तो उनकी बिरादरी के लोग एक हो जाते हैं, लेकिन अगर वैश्य समाज का नेता आवाज देता है तो हम एक नहीं होते। बीजेपी सांसद ने यह बयान कन्नौज जिले के सौरिक इलाके में वैश्य एवं व्यापारी चिंतन महासम्मेलन का आयोजन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पटेलों की आवाज पर सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा लग गई। वही मीडिया से हुई बात करते हुए बताया कि सांसद श्याम चरण गुप्ता ने यूपी सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर के बयान बीजेपी में शामिल मुस्लिम नेताओं के नाम बदलने चाहिए का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यहां तक कि कहा कि देश का नाम भारत और इंडिया से बदलकर हिंदुस्तान कर देना चाहिए। जब जड़ खत्म हो जाए तो शहरों के नाम बदलने को लेकर कहा कि अभी शहरों के नाम नहीं बदलने चाहिए, इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। चुनाव करीब है, विपक्षियों का मुद्दा मिलेगा, चुनाव बाद बदलना चाहिए। वैश्य एवं व्यापारी चिंतन महासम्मेलन के इलाहाबाद के बीजेपी सांसद श्याम चरण गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। भाजपा के प्रदेश मंत्री सलील बिश्नोई व वैश्य राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वैश्य एकता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने व्यापारी की एकता को मजबूत करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि देश के विकास में व्यापारियों का अहम रोल होता है, व्यापारियों की समस्या पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम ये कन्नौज लोकसभा का चुनाव भी सर पे है, पूरी लोकसभा के बैस समाज के लोगों को हमने आमंत्रित किया था। हमारा समाज राजनीतिक रूप में भी पिछड़ा है, सामाजिक और आर्थिक रूप में भी सब में पिछड़ा है, तो इसी के तहत चिंतन वैश्य महासम्मेलन का ये कार्यक्रम था जिसमें माननीय सांसद इलाहाबाद श्याम चरण गुप्ता जी को मैंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। डॉक्टर सुमन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी इन्वाइट किया। तमाम समाज के लोग, अजय जायसवाल जी, कोम बटुल कटल जी, सारे लोग मंच पे आए थे। केवल उद्देश्य ये था, कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, समाज के लोग हमारे कैसे आगे बढ़े। सभी दलों, कोई किसी दल की सरकार आती है तो हमारे समाज का ये शोषण होता है। वोट और नोट, हम सरकार हम बनाते हैं। हम लोग चोर नहीं, बेईमान नहीं, डकैत नहीं, लुटेरे नहीं, लेकिन अधिकारियों की नजर में लुटेरों की तरह से देखे जाते हैं। आर्थिक शोषण, कई कई आपराधिक मुकदमे तक लिख दिए जाते केवल इस बात पे कि हमारा समाज पैसे देने का काम करे, और पैसे लूटने का काम अधिकारियों द्वारा जो हो रहा है। हम भले ही अपनी सरकार में हैं, लेकिन अपने मुद्दे तो उठाने का काम हम कर ही सकते हैं। इसीलिए हमने ये सम्मेलन रखा था कि बैसों में जागरूकता आए, हम किसी का जेबी वोट न बने। लोकसभा चुनाव में हम लोग निर्णायक भूमिका में रहेंगे, और इतना वोट हम लोगों के पास है कि हम जिसको जिता सकते, जहां चले जाएंगे वो जीतेगा, जिसका विरोध करने पे उतर आएंगे वो हारेगा। हार और जीत का फैसला करने में हम लोग पूरी कन्नौज लोकसभा में सक्षम है। इसी के तहत हमने आज ये कार्यक्रम आहूत किया, और बड़ी संख्या में हमारे पूरे लोकसभा के प्रमुख लोग, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति 100-200 वोट का मालिक है। हमने वो प्रमुख लोग बुलाए थे जो समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं, और समाज में से लेकर के और राजनीति में अपना हस्तक्षेप रखते हैं। वो कई सभासद थे, कई प्रधानों का सम्मान हम लोगों ने करवाया, हमारे पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन थे उनका भी सम्मान इसमें हुआ, हमारे जो विधायक थे और पूर्व विधायक उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में हम लोगों ने रखा है। ये कार्यक्रम की पूरी योजना थी। आगे आने वाले समय में हम लोग फिर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। चुनाव तक हम लोग एक मनसा ये पूरी लोकसभा में वह समाज का जो 1.5 से 2 लाख वोटर है एक जगह पड़े, और एक जिसके साथ जाए एक साथ जाए। हम किसी के गुलाम नहीं है,
किसी के बिके हुए नहीं है, कोई हमको पैसे नहीं देता है, कोई हमको खरीद नहीं सकता है। हम लोग बिक्री का बोर्ड नहीं है, हम लोग वो लोग हैं, भामाशाह के वंशज हैं। जब भी देश पे इज्जत दांव पे लगती है तो हम लोग अपने खजाना खोल के सामने आते हैं, देश की रक्षा करने का कार्य और समाज की रक्षा करने का काम हम लोग करते हैं। ये हम लोग का उद्देश्य है, हम लोगों का धन कमाना उद्देश्य नहीं है। धन कमाने के साथ साथ हम लोगों का इतिहास रहा है कि मंदिर हमने बनवाए हैं, धर्मशालाएं हमने बनवाई हैं, सारे समाज प्याऊ हमने बैठाले हैं, सारे सामाजिक कार्य आज भी जो होते हैं सबसे ज्यादा वह समाज लोग करते हैं। वह समाज के ही लोग समाज में अपना सम्मान भीड़ की मेरुदंड के रूप में हुआ कार्य करने के काम करते हैं। हम लोग मेरुदंड हैं, अगर मेरुदंड का एक भी गुड़िया एक भी पार्ट खराब होता है तो पूरा शरीर विध्वंस और बेकार हो जाता है। हम जिसका अभी विरोध करेंगे इसी तरह से पूरा जिस पार्टी का विरोध करेंगे वो बिल्कुल जमीन पे आ जाएगी। यही मेरा लक्ष्य है, जिसका साथ देंगे। और हमारा केवल एक और केवल उद्देश्य है कि मेरे समाज को राजनीति में समाज में जो पार्टी सम्मान देगी आगे आने वाले चुनाव में हम लोग उसी पार्टी का साथ देंगे। सबसे ज्यादा टिकट देने का काम जो करेंगे, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां संगठन में देने का कार्य करेंगे, हम लोग ईमानदारी के साथ करने वाले हैं, हम लोग बेईमान नहीं है। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन को जागरूक करने का उद्देश्य हमारा। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार।